फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मफलर बनाएंगे, आप इसे स्कार्फ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी फ्रिंज कितनी प्यारी बनी है, जो मैंने नॉट्स बनाई हैं। और इससे पहले जितनी भी मैंने मफलर की वीडियोस अपलोड की हैं स्कार्फ की, तो उसमें हमने सिंपल नॉट्स बनाई हैं। कई बार मैंने बनाई है मफलर, तो सिंपल नॉट्स बनाई है, इसमें मैंने थोड़ी अलग तरीके से नॉट्स बनाई है। तो नॉट्स आप कोई भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 9 नंबर क्रोशे हुक लिया है, 3.5 mm। और मेरे चैनल पर पहले भी मफलर की स्कार्फ की वीडियोस अपलोड हुई हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैंने वूल ली है, ये 3 ply की वूल है। तो स्टार्ट करेंगे। तो ये एक चेन बनी हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हम चेन बनाएंगे। और यहाँ पर हम 50 चेन बनाएंगे, 50। तो यहाँ पर देखिए 50 चेन मैंने बना ली। 50 चेन हमने मल्टीपल ऑफ 10 के हिसाब से बनाई है। यहाँ पर मेरे पास 5 पैटर्न बनेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए थंब रखेंगे, इसके बाद 4 चेन और लेंगे, यही वाली 4 चेन स्किप करेंगे जहाँ पर हमने थंब रखा है। इसमें हम पहला डबल क्रोशिया करेंगे, धागा लिया, इस तरह से, फिर नेक्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 4 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 मैंने डबल क्रोशिया बनाए। साइड वाली जो 3 की चेन है, इसे हम पैटर्न में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 4 डबल क्रोशिया हैं। एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, 4। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन यहाँ पर स्किप करेंगे, देखिए इसे स्किप किया, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इसी तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे, 4-4 हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और उसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन स्किप भी करेंगे, फिर 4 बनाएंगे, इसके बाद देखिए एक चेन ली मैंने, एक स्किप की, फिर नेक्स्ट में, तो रो कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। इस तरह के जो हमारे पास 4-4 डबल क्रोशिया आए हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और लास्ट में देखिए अभी मैंने 4 बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, लेकिन स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 हमने डबल क्रोशिया किए थे, एक साइड वाली चेन थी, तो टोटल यहाँ पर स्टार्ट में 5 है। इसी तरह से एंड में भी 5 होंगे। तो धागा लिया, लास्ट हमने ये एक चेन हमारे पास रहती है, एक हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो अब देखिए दोनों साइड से ये सेम है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, ये हमारी चेन है, ये हमारा पहला स्टिच है। तो बिल्कुल स्टार्ट वाले स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो स्टार्ट में हमारे पास 5 थे, 5 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद यहाँ पर होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर आगे 4 हैं हमारे पास डबल क्रोशिया, 4ों के ऊपर बनाएंगे,
फिर होल है, होल में बनाएंगे। तो इस तरह से हमने रो को कंप्लीट करना है, सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, होल में भी बनाएंगे। यहाँ पे जो हमने चेन ली है स्टार्ट में, ये देखिए मल्टीपल ऑफ 10 के हिसाब से ली है, 10 मैंने चेन्स के ली हैं, 5 मैंने पैटर्न बनाए हैं, तो 50 चेन इससे होगी, 4 हमने स्टार्ट में एक्स्ट्रा ली है तो 54 चेन्स हैं, तो 5 पैटर्न किस तरह से, ये दो जो हमारे होंगे, ये देखिए एक सेट ये और एक सेट ये, तो इसको हम एक पैटर्न काउंट करेंगे, ये दो हो गए, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से ये 5 है, तो कंप्लीट करेंगे। आपको इससे अगर चौड़ा रखना है तो आपको 10 चेन एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी, और अगर आपको इससे कम चौड़ा रखना है तो 10 चेन आप इससे कम ले लें। जैसे यहाँ पर मैंने 54 चेन ली है, तो अगर आपको बड़ा रखना है तो आपको 64 चेन लेनी पड़ेंगी। रो देखिए कंप्लीट हो गई, लास्ट में देखिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं और एक 3 की चेन है, तो 5 हमारे इसके ऊपर आने चाहिए सिंगल क्रोशिया। इसके ऊपर मैंने बनाया 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर बनाया 3, फिर इसके ऊपर बनाया 4, तो चारों के ऊपर मैंने 4 सिंगल क्रोशिया किए, एक हमने होल में भी किया। अब हमने लास्ट में ये जो 3 की चेन है, थर्ड चेन के ऊपर लास्ट हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब एंड में देखिए, यहाँ से देखेंगे तो 5 है हमारे पास, होल वाला अलग है। इसके बाद 1, 2, 3 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, धागा लिया, देखिए ये 3 की चेन है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया है, इसे हमने इस तरह से लेना है फ्रंट पोस्ट की तरफ, फ्रंट पोस्ट की तरह से, ये देखिए यहाँ से स्टिच देखिए, जो नीचे हमने चेन बनाई है यहाँ से देखेंगे, ये राइट साइड है हमारी, और ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये स्टार्ट वाली चेन से आप देख सकते हैं। तो राइट साइड जब हम हैं, फ्रंट साइड से इस तरह से उठाएंगे तो उसे हम फ्रंट पोस्ट बोल लेंगे, और सॉरी यहाँ पर हम दो बार ऐसे धागा लेंगे, फ्रंट साइड से डबल क्रोशे को लेंगे, इस तरह से दो दो करके निकाल दिए, फिर दो बार धागा लिया, फिर नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया लिया, इस तरह से देखिए 4 है हमारे क्रोशे के ऊपर फंदे, पहले हमने 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 निकाल दिए, फिर हमने 2 से 1 किए, दो बार धागा लिया, 4 हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिए थे, तो 4 हमारे पास यहाँ पर फ्रंट पोस्ट आएंगे। इस तरह से देखिए 4 हमारे पास फ्रंट पोस्ट है और एक हमारी साइड वाली 3 की चेन है। इसके बाद हमने फिर से एक चेन ली, दो बार धागा लिया, ये हमारे फ्रंट पोस्ट है, हमने फ्रंट साइड से उठाया है। अब अगले जो 4 हैं इनको हम बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे, बैक साइड से इसे उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से लिया और इस तरह से 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2, दो बार धागा लिया, फिर नेक्स्ट डबल, हमने जो ऊपर सिंगल क्रोशिया है उसे नहीं लेना, हमने जो नीचे हमारा ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ उसे हमने पूरे को उठाना है। देखिए ये 4 है हमारे पास, पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, दो बार धागा लिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया को लिया, तो इसे हम बैक पोस्ट कहते हैं, जो हम बैक साइड से डबल क्रोशिया उठा के बनाते हैं। इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे, 4 बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे, दो बार धागा लिया, इसके बाद फिर फ्रंट साइड से उठाएंगे, तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 4 हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 4 फिर हम एक चेन लेंगे, फिर हम 4 बैक पोस्ट बनाएंगे, और दो बार इस तरह से धागा लेना है, ट्रिपल क्रोशिया जैसे हम बनाते हैं, तो ये ट्रिपल क्रोशिया है लेकिन फ्रंट साइड से उठा के एक चेन ले, तो कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई, स्टार्ट देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट से किया था, और जो हमारा हमारी रो ख़त्म हुई है वो बैक पोस्ट पे हुई है। देखिए ये बैक साइड से मैंने स्टिच उठाए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट मिलाकर हमारा एक पैटर्न बनता है। इसी तरह से ये 2 हो गए, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, और ये एक पैटर्न हमारा 10 चेन से होता है, तो 5 पैटर्न के लिए हमारी 50 चेन हो गई।
तो अब देखिए ये बैक चार मैंने बनाए डबल क्रोशे बैक पोस्ट से। अब हमने लास्ट बनाना है। स्टार्ट में देखिए यहाँ पर हमारे पास चार हमारे पास फ्रंट पोस्ट हैं और एक हमारे पास तीन की चेन है, तो इसी तरह से एंड भी होगा। चार हमारे पास बैक पोस्ट हैं, एक हमारे पास तीन की चेन है, उसकी जगह पे हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये लास्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमने इस तरह से बैक साइड से नहीं उठाया, अब हमने इसे ये देखिए हमने इसे फ्रंट साइड से उठा के यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया ये देखिए यहाँ पर हमने दो बार धागा नहीं लेना, यहाँ पर हमने एक बार धागा लेकर डबल क्रोशिया करना है, ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना। इस तरह से तो वर्क को टर्न करेंगे। इसके बाद फिर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की रो आएगी, एक हमने ये चेन ली, इसके बाद ये नेक्स्ट जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट वाला फर्स्ट चेन है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, दो तीन चार पाँच, पाँच बनाए फिर होल में बनाएंगे, छः सात, तो इस तरह से ये बनाते जाएंगे। अब हमारे पास ये चार हैं, चारों के ऊपर बनाएंगे। इसके बाद होल में बनाएंगे, ये देखिए ये चार हैं, पहले चारों के ऊपर बनाएंगे, एक बनाया दो तीन चार, फिर होल में बनाया, तो रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो का एंड करेंगे, ये देखिए होल में बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशिया, इसके बाद देखिए एक दो तीन चार हमारे पास बैक पोस्ट हैं, चारों के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद ये हमारे पास तीन की चेन है, एक इसके ऊपर बनाएंगे। चार बना लिए, इसके बाद ये तीन के चेन है, एक दो तीन थर्ड चेन में हमने लास्ट बनाया, एक दो तीन चेन ली। शुरू में हम तीन चेन लेते हैं और एंड जब हम करेंगे तो डबल क्रोशे से करेंगे, ट्रिपल क्रोशे से नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए दो बार धागा लिया हमने, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास चार फ्रंट पोस्ट हैं, तो फ्रंट पोस्ट को अब हमने बैक पोस्ट की तरह बनाना है। देखिए दो बार धागा लिया, बैक साइड से क्रोशे को डाल लेंगे, पहले वाला फ्रंट पोस्ट लिया, दो बार धागा लिया, फिर दूसरा बैक पोस्ट बनाएंगे, दो बार धागा लिया, थर्ड वाला बना लेंगे, दो बार धागा लिया, फोर्थ वाला बैक पोस्ट बनाएंगे, दो निकाले फिर दो और फिर दो, इसके बाद एक चेन लेंगे। चार बनाने के बाद हम एक चेन लेते हैं, इसके बाद देखिए दो बार धागा लिया। अब ये हमारे पास बैक पोस्ट है, ये देखिए ये हमने बैक साइड से उठा के बनाया था, तो अब हमने इन्हें फ्रंट पोस्ट की तरह लेना है। देखिए यहाँ से इसे उठाएंगे, दो बार धागा, चार हमने फ्रंट पोस्ट किए, उसके बाद एक चेन ली, दो बार धागा लिया, फिर बैक पोस्ट करेंगे। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए चार हमने बैक पोस्ट किए, इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर ये जो बैक पोस्ट हैं तो इनको हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे, रो कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए तीन बनाई मैंने फ्रंट पोस्ट, दो बार धागा लेंगे, ये हमारा फोर्थ है फ्रंट पोस्ट। इसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए यहाँ पर देखिए इस साइड से देखिए
ये हमने जो सिंगल क्रोशे किया है, ये सिंगल क्रोशे को हम यहाँ से लेंगे, लास्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे है, सिंगल क्रोशे के ऊपर मैंने डबल क्रोशे बनाया। ये देखिए फिर से, ये हमारी सिंगल क्रोशे वाली रो है, ये लास्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशे है, वहाँ पर हमने इस तरह से डबल क्रोशे किया। इसके बाद एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, ये एक चेन स्किप करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्टिच है वहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। एक रो हमारी फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की आती है और एक रो हमारी सिंगल क्रोशे की आती है। इसके बाद होल में बनाएंगे। इसके बाद ये चार हमारे पास हैं, चारों के ऊपर एक एक बनाएंगे। होल में बना लेंगे तो रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई, होल में बनाएंगे, लास्ट में सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद हमारे पास चार हैं फ्रंट पोस्ट, चारों के ऊपर एक एक बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार। इसके बाद देखिए हमारे पास तीन की चेन है, एक दो तीन, थर्ड चेन में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया लास्ट। इसके बाद एक दो तीन चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारे पास अब देखिए चार हमारे पास बैक पोस्ट हैं, अब हमने इन्हें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। तो हर रो में इस तरह से होगा, दो बार यहाँ पर धागा लेंगे, हर रो में इस तरह से होगा, जो हमारे बैक पोस्ट होंगे उन्हें हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है और जो हमारे पास फ्रंट पोस्ट होंगे उन्हें हमने बैक पोस्ट की तरह उठाना है। और बीच में यहाँ पर एक चेन लेनी है, फिर दो बार धागा लिया। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट हैं तो अब इन्हें बैक पोस्ट की तरह पीछे से उठाएंगे। इसके बाद एक चेन ली, फिर दो बार धागा लिया, फिर फ्रंट से उठाएंगे। तो पैटर्न वर्स इतना ही है, इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के फिर दिखाती हूँ। ये हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, ये बैक पोस्ट है। तो अब मैं आपको थोड़ा बड़ा करके फिर दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए इस तरह का दिखेगा, ये देखिए के पास से मैं दिखाती हूँ, दोनों साइड से ये एक ही जैसा दिखेगा आपको। तो अब हम इसे फिनिश किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार हमने फ्रंट पोस्ट किए हैं, उसके बाद एक दो तीन चार बैक पोस्ट किए हैं और उसके बाद एंड में जैसे हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और लास्ट रो हम सिंगल क्रोशे वाली बनाएंगे। एक चेन ली हमने, ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशे है वहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, सिंगल क्रोशे वाली रो हमारी लास्ट रो होगी, फिर नेक्स्ट में बनाया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक चेन है तो यहाँ पर हमने एक चेन ली, तो चेन स्पेस में हमने नहीं बनाना, एक चेन लेकर उसके बाद हमारे पास ये चार हैं, चारों के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन चार, फिर एक चेन लेंगे और ये हमारे पास आगे चार हैं, ये बीच वाली जो चेन है होल वाली इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। इस तरह से रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बना लिया मैंने, अब लास्ट में हम ये जो तीन की चेन है थर्ड चेन में बनाएंगे लास्ट सिंगल क्रोशिया।
एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे। तो अब हमने यहाँ पर इसके नॉट्स बनाने हैं। देखिए देखिए इस तरह से आप देख के नॉट्स बनाएं। देखिए इस साइड से आप देखेंगे तो ये हमारे रॉन्ग स्टिच दिखाई देते हैं, रॉन्ग साइड दिखाई देती है। यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए ये हमारे सारे स्टिच जो फ्रंट पोस्ट वाले हैं उन्हें देखिए, तो इस साइड से हम ये इसकी नॉट्स बनाएंगे। नॉट्स बनाने से पहले मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये 9.5 इंच बना है, 9.5 इंच जितनी मैंने चेन रखी है। मैंने इसके 5 पैटर्न रखे हैं, ये देखिए ये हमारे 4 फ्रंट पोस्ट हैं, उसके साथ एक चेन लेते हैं। फिर हमारे 4 बैक पोस्ट होते हैं, उसके साथ एक चेन लेते हैं, ये जो बीच में होल है। तो 10 चेन के साथ हमारा फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का एक पैटर्न तैयार होता है। तो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के 5 रखे हैं। हो सकता है आपको 9.5 इंच ज़्यादा लगे, और अगर आप ये पैटर्न एक कम कर देते हैं तो ये 7.5 रह जाता है। ये देखिए, तो ये अगर आप ये पूरा 10 चेन का एक पैटर्न कम कर देंगे तो ये 7.5 रह जाता है। तो हो सकता है ये आपको कम लगे और ये आपको ज़्यादा लगे। तो अगर आप इसके बीच में रखना चाहते हैं तो बीच में भी रख सकते हैं। फिर आप 1, 2, 3, 4 और 4.5, फिर आप यहाँ पर फिनिश कर दें इस तरह से। तो इतना आप बनाएंगे तो फिर ये आपका देखिए 8.5 इंच बनेगा। देखिए फिर ये 8.5 इंच आएगा। तो इस तरह से आप 4.5, 5 पैटर्न इस तरह से भी रख सकते हैं। तो अगर आप 4.5 में रखेंगे, 7.5 पैटर्न रखेंगे, तो फिर आपका फ्रंट पोस्ट पे से ही देखिए शुरू होगा और फ्रंट पोस्ट पे ही ये जाके ख़त्म होगा। यहाँ पे जैसे अभी हमने बनाया है, फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट होता है और बैक पोस्ट पे ख़त्म होता है। लेकिन अगर आपने हाफ पैटर्न कम रखना है, हाफ पैटर्न, तो फिर आपका फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट होगा, फ्रंट पोस्ट पे ख़त्म होगा और ये इस तरह का दिखेगा। ये देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है, ये फ्रंट पोस्ट पे स्टार्ट हुआ और ये बैक पोस्ट 1 पैटर्न, फिर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट 2 पैटर्न और ये हाफ पैटर्न। तो ये फ्रंट पोस्ट पे ही हमारा फिनिश हुआ है। तो इस तरह से भी रख सकते हैं। बस आपने आधे पैटर्न के लिए 5 चेन कम लेनी है, इससे ज़्यादा रखना है तो 5 चेन आपने ज़्यादा लेनी है, आधा पैटर्न अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं। एक काम यहाँ पर हम और करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमारी स्टार्टिंग चेन है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे टर्न करके स्लिप स्टिच की एक रो बनाऊंगी, जिससे कि जब हम नॉट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। देखिए हमारी लास्ट जो हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारे 4 हैं, उसके बाद ये 5th स्टिच है, उसकी चेन में मैंने स्टार्ट किया इस तरह से। बस इसके बाद हम हर चेन में यहाँ पर देखिए ये एक चेन को नहीं उठाएंगे, इसको यहाँ नीचे से लेंगे। तो इसके ऊपर देखिए 2 आते हैं हमारे पास धागे, 2 धागों को लेकर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक धागे को नहीं लेना, हम इसे थोड़ा सा नीचे से उठाएंगे तो हमारे पास चेन के 2 धागे आएंगे। ये देखिए अब 2 हैं, 2 को लेकर हमने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। आगे हमारे पास ये होल वाली चेन है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी 2 धागे लेकर चेन के 2 लूप लेने हैं इस तरह से। तो इसके ऊपर जब हम नॉट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। ये देखिए ये हमारी ऐसे लूज होती है, तो स्लिप स्टिच बनाकर ये रो को कंप्लीट करेंगे। स्लिप स्टिच बनाते वक्त ये वाला आपका फंदा लूज होना चाहिए, ये आपका फंदा लूज होगा तो ये यहाँ से खींच जाएगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा लूज है। अगर आप इस तरह से फंदा लूज नहीं रख पाते, आपका इसी तरह से रहता है, तो आप फिर क्रोशिया थोड़ा थिक लें, मोटे वाला क्रोशिया यूज करें। तो कंप्लीट करते हैं। तो अब आप देखिए कितनी इसकी फिनिशिंग दिखाई देती है, जो हमने शुरू में चेन ली थी उसके ऊपर स्लिप स्टिच बन गया। तो अब ये लास्ट है हमारा जो 3 की चेन है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था
दो लूप लेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद आप नॉट्स बनाएं। और यहाँ पर देखिए मफलर की मैंने नॉट्स बना ली हैं, फ्रिंज मैंने इसकी बना ली है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह की है। और लास्ट में यहाँ पर मैंने एक एक नॉट लगाई है, उसके बाद ये वाला धागा खुला रहेगा और ये ऊपर वाली चीज़ इसी तरह से रहेगी। हर चेन में मैंने बनाया है। तो ये मैंने किस तरह से बनाई है इसकी मैंने जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। इससे पहले जो भी मैंने मफलर की वीडियोस अपलोड की हैं उसमें मैंने सिंपल नोट्स बनाई हैं, लेकिन आज मैंने अलग तरह से बनाई है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप ये बना सकते हैं फ्रिंज। ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।